अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यहाँ हम बनाने जा रहे हैं बनाना डेट पुडिंग। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ले लिया है 1/2 लीटर मिल्क और ले लिया है 3 बनाना। आप चाहे तो 2 ले लें अगर आपके बड़े साइज के है तो, यहाँ हमारे छोटे साइज के है इसलिए हमने 3 लिए है। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 4 डेट्स जिसके हमने सीड्स निकाल लिए हैं, 2 टेबल स्पून शुगर, 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। यहाँ हम एक मिक्सिंग जार में डालेंगे बनाना, इसे हम थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े कर डाल देंगे। इसी तरह हम पूरे डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। इसी तरह हमने पूरे डाल दिया है, अब इसमें हम डाल देंगे खजूर। अब इसे हम पीस लेंगे। अब इसे हमने पीस लिया है। अगर आपका इस तरह फाइन पेस्ट नहीं बना तो आप इसे छान भी सकते हैं। यहाँ हमने दूध को गर्म कर लिया है, उसमें हम ऐड कर देंगे इलायची पाउडर। हमने कस्टर्ड में थोड़ा सा दूध ऐड कर इसे मिक्स कर लिया है, अब इसे हम दूध में ऐड कर देंगे। इसे हम लगातार हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बन जाए। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बनाना और डेट्स। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस स्टेप पर आप शुगर ऐड कर लीजिए, ये क्लिप मुझसे मिस हो गई थी। इस स्टेज पे आप इसे टेस्ट कर शक्कर बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो। अब इसे हम एक बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ये अभी गर्म है तो हम इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब ये यमी सा मजेदार सा बनाना डेट पुडिंग बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं ये कितना यमी दिख रहा है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें बगैर यहाँ से मत जाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।